फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु में। तो आज हमारे पास हीरो होंडा कंपनी की स्प्लेंडर गाड़ी है, हीरो होंडा की स्प्लेंडर गाड़ी है। उस गाड़ी का प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी की किक मारने के बाद किक नीचे ही लटक रही है, वापस नहीं आ रही। तो उसका जो किक का स्प्रिंग है वो ब्रेक हो चुका है, यानी टूट चुका है। तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, उसको किस तरह से हमको लगाना है, वो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। फुल प्रोसेस बताएंगे, वीडियो स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम इसी तरह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो देखते हैं किस तरह से गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है और उसको किस तरह से रिजोल्व करना है। दिखाएंगे अभी गाड़ी स्टार्ट करके आपको कि किस तरह से उसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो रहा है बट ये ठीक नीचे ही आ रहा है, ठीक वापस नहीं आ रहा है। देख पा रहे हो आप, एक बार बताते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, देखो किक मार के निकल कर, देखो किक नीचे नीचे जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो इस तरह से लड़क जा रही है, यानी कि उसकी जो किक की स्प्रिंग है वो टूट टूट गई है। देखो उसको ऊपर लेना पड़ता है। तो देखो इस तरह से वापस नहीं आ रही किक है, वो रिटर्न नहीं आ रही है। तो उसको किस तरह से रिजोल्व करेंगे हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमको पूरा क्लच को ऊपर निकालना पड़ेगा, पहले ऑयल उसका ड्रेन करेंगे। इसका क्लच कवर हमने निकाल दिए और देखो यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो टूट चुकी है। इस वजह से जो है किक यहाँ पे लटक रही थी, यानी कि ऊपर नहीं आ रही थी जब हम किक मार रहे थे तब। अब पूरा एक क्लच हम खोलेंगे, उसके बाद में दिखाएंगे आपको। एक क्लच असेंबली खोलने के बाद पूरा दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, क्लच इसका निकाल दिए और यहाँ पे अभी यहाँ की जो सर्क्लिप है हम सर्क्लिप प्लायर की मदद से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके सर्क्लिप हमने निकाल लिए। देखो अभी इसको बाहर निकाल लेंगे। स्प्रिंग इसका लॉक होता है ऊपर में, निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको निकाल लिए। अब स्प्रिंग यहाँ पे टूटी पड़ी है, दो
देखो इसका एक पार्ट है और एक अंदर पार्ट है। देखो फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग थूकने की वजह से जो कीक है वो नीचे जा रही थी। देखिए बेटा, स्प्रिंग टूटी हुई है। ये देखो, यहाँ से स्प्रिंग टूटी हुई है फ्रेंड। ये देखो कीक मारते हुए यहाँ पे ये ब्रेक हो चुकी है फ्रेंड। तो अभी नई स्प्रिंग आपको दिखाएंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। इस वजह से ये हमारी जो कीक है गाड़ी की, वो नीचे जा रही थी, वापस नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड, इसे किस तरह से लगाना है वो भी हम पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे देखो नई स्प्रिंग है, आपको दिखा रहे हैं। ये नई स्प्रिंग हमने लाया है। यहाँ पे दो डॉट हो गए फ्रेंड, यहाँ पे दो बारीक दो डॉट हो गए। उसको ये इसके साथ में हमें मैच करना है। यहाँ पे भी एक डॉट है, आपको दिखा दे। देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक डॉट है, उसके साथ में हमें उसे मैच करना है। यहाँ रॉड के ऊपर दो दो डॉट है और ये डॉट हमें एक ही लाइन में आना चाहिए। इस तरह से हमें मैच करना है फ्रेंड्स। तो इसे फिट करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डॉट है आपको दिख रहे हैं, तरह से हमें मैच करना पड़ता है। इसकी टाइमिंग होती है फ्रेंड, नहीं तो जब हम गाड़ी किक मारती है तो आवाज़ आता है उसमें से। तो इस तरह से इसकी टाइमिंग मैच कर ले फ्रेंड। इसको भी फिट कर लेते हैं। ये मेन पॉइंट इसका याद रखना है फ्रेंड, कि इसको दो डॉट और इस जो उसके डॉट्स है वो एक ही लाइन में होना चाहिए और मैच होना चाहिए। और इसके ऊपर एक सर्कल बनती है फ्रेंड, वो इसको लगा लेते हैं फ्रेंड। देखो एक ही लाइन में आ चुका है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इस देखो एक ही लाइन में ये आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें फिट करना है फ्रेंड, ताकि इसकी टाइमिंग अच्छे से मैच हो जाए। अब फ्रेंड, इसके ऊपर हम सर्किट लगाएंगे। सर्किट पैर की मदद से इसको लॉक कर देंगे। इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड, इसके ऊपर किक लगा के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वर्क होता है। ये फिट हो चुके हैं फ्रेंड, अभी हम इसमें कीक लगा के दिखाएंगे आपको। देखो ये किस तरह से वापस आ रहा है, देखो इस तरह से वापस आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो फ्रेंड, इस तरह से एक कीक हमारी रिटर्न आ रही है फ्रेंड। इक्की स्प्रिंग टूटने की वजह से ये रिटर्न नहीं आ रही थी फ्रेंड। और ये भी इसकी क्लच असेंबली लगा देंगे, जैसे हमने निकाली थी इसे फिट कर देंगे। तो फ्रेंड, इसके क्लच की असेंबली करेंगे अभी। इसका ऊपर का जो कवर है वो लगा लेते हैं, हाउसिंग, क्लच की हाउसिंग जो है फिट कर दी है। इसके ऊपर पतला सा वॉशर आता है, स्टार वाला, देखो आप फ्रेंड, पतला सा वॉशर होता है, यहाँ पे फिट कर देते हैं।
वहाँ पे उसके बाद में दो आधे वाले वॉशर आते हैं फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह से दो आधे आधे वॉशर आते हैं फ्रेंड, उसको ये लॉक होता है ये वहाँ पे फिट हो जाते हैं फ्रेंड। इसको लॉक करने से पहले थोड़ा सा ग्रीस लगा ले ताकि ये यहाँ पे चिपक जाए। देखो ग्रीस लगाने से क्या होता है, ये वहाँ पे चिपक जाएगी। और उसके ऊपर एक कॉलर वाली वॉशर आती है, उसके ऊपर लगा देने के बाद इसके ऊपर एक ये कॉलर वाली इसकी वॉशर आती है, इसे भी थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं और फिट कर देते हैं। ये क्लच की जो असेंबली है वो हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्लच की असेंबली भी कर सकते हैं फ्रेंड, अगर आपकी गाड़ी का क्लच फिट गया होगा तो इसको निकाल के। ऊपर वॉशर आता है और एक नट आता है, वो चक नट यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं फ्रेंड। इसको होल्ड करने के लिए प्लानर प्लायर से प्लानर है फ्रेंड, उसको टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से। स्प्रिंग लगा देते हैं, दस नंबर के स्पिनर से टी से इसे टाइट कर देते हैं फ्रेंड। से लॉक कर दिए फ्रेंड कि अच्छे से टाइट हो जाए। इसे क्रॉस में टाइट करना है फ्रेंड, एक ही साइड से पूरा टाइट नहीं करना है, क्रॉस में धीरे 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 करके इसे टाइट करना है फ्रेंड। नहीं तो ये जो बोल्ट है या इसकी प्लेट है वो टूटने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड। ये बैलेंसर होता है फ्रेंड, ऑयल पंप लगा होता है यहाँ पे। टाइट कर देते फ्रेंड, इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर ले फ्रेंड। यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगल ऑयल पंप होता है, तो ये यहाँ पे डस्ट जमी होती है फ्रेंड, उसको साफ कर लेंगे, उसकी कैप लगा लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से हम क्लच असेंबली भी फिट कर सकते हैं फ्रेंड, और ये जो होता है कैप के अनुसार ये नीचे भी कैप हम लगा सकते हो फ्रेंड, आप पहले भी लगा सकते हो इसके वाले, जिसे हम क्लच पैड असेंबली बैलेंस लगाने से पहले भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से टाइट करें जहाँ पे ऑयल डुबा हुआ रहता है, क्लच पैड डुबी हुई रहती है इसके अंदर, पैकिंग लगा के इसे लगा लेते हो फ्रेंड। एक क्लच ऑपरेट करता है ये, इसे भूलना नहीं है, इसे लगाना है, और ये गिर जाता है तो अच्छे से इसके ऊपर ध्यान लगा के इसे फिट करना है फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है हमारे ध्यान से निकल जाता है, वो गिर जाता है नीचे में, ये कैम, ये जो कैम होती है ये
क्लच ऑपरेट करती है फ्रेंड, इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अगर पैकिंग चेक कर ले, पैकिंग कट्टी होगी तो पैकिंग नहीं लगा ले फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, तो ये अच्छी है तो हम इसे इसी को लगा रहे हैं। और ये भी बोल्ट में क्रॉस मिडर करना है। तो इस तरह से हम जो फ्रेंड है ये किक रिटर्न नहीं आने का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। अच्छी तरह से इसके कवर के जो बोल्ट है टाइट कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ से लीकेज की चांसेस ज़्यादा आते हैं फ्रेंड। क्लच कवर के पैकिंग से क्लच केबल फिट कर लेते हैं, ऑयल डाल देंगे फ्रेंड। पुराना वाला ऑयल था वही डाले फ्रेंड। इसे टाइट करके फिर से